अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएस पाकिस्तान के साथ मैं हूं जिब्रान अलीम। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के अंदर मैं आपको हर तरीके से मैं आपको फिल्टर्स करने के तरीके बताऊंगा कि हम किस किस तरीके से अपने डेटा को फिल्टर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेटा में हम मुख्तलिफ तरीके से अपने डेटा को फिल्टर करेंगे। एक तो नॉर्मली हमारे पास डेटा में फिल्टर का ऑप्शन होता है, जो कि ऊपर हमारे पास ये आइकन शो कर देता है जो आप देख रहे हैं। जैसे मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो ये आइकन माउस का चेंज होके एक हैंड की शक्ल में आ जाता है। हम नॉर्मली अपने डेटा को यहीं से फिल्टर करते हैं, यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी हमारे पास लिस्ट आ रही होती है यूनिक वैल्यूज की, इसे मैं फिल्टर करता हूँ डायरी का। तो ये जितने भी डायरीज को इन सबको फिल्टर करके डेटा में शो कर देता है। यहाँ से अगर मैं दूसरे को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी फिल्टर करता है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और जो नहीं चाहता उसको हटा के मैं जस्ट उससे फिल्टर कर देता हूँ। इसे क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर है। हम चाहे यहाँ से भी डबल दो दफ़ा क्लिक करके सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी हम क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से वैल्यूज को भी हम इसी तरह करते हैं, जो कि वैल्यूज हो या अगर डेट हो तो डेट में भी हम इसी तरह से इसे फिल्टर करते हैं। जो मंथ हमें नहीं चाहिए हम उसे डिसलेक्ट करके बस ओके कर देते हैं। ये तो है एक नॉर्मल तरीका जो हम अपने डेटा को आम रूटीन में फिल्टर्स करते रहते हैं। इसके अलावा फिल्टर्स में और ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या तरीके हैं इसका फिल्टर का यूज करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हैं टेक्स का एक और मेन्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक तो ये दे रहा है हमें टैक्स फिल्टर, जो कि जो भी हमारे पास टैक्स इसके अंदर हमने एंटर किया ये टैक्स के हवाले से। और यहाँ आता है नंबर, ये नंबर्स को फिल्टर करता है। ये नंबर्स के हवाले से जो भी इसके मेन्यू में जो लिस्ट है वो ये है। और डेट के हवाले से डेट फिल्टर है, इसमें मंथ ईयर क्वार्टरली जो भी कस्टम हम इसमें फिल्टर करना चाहें वो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस मेन्यू में दिए हैं। फर्स्ट मैं यूज करता हूँ टैक्स का। टैक्स में आपको बताऊं टैक्स का फिल्टर हम कैसे यूज करते हैं। टैक्स इक्वल मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ मीट, जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम मीट से मुताल्लिक जो भी मुझे इससे फिल्टर करना है नॉर्मली हम इसे फिल्टर कर दें, जितने भी मीट्स होंगे उनको फिल्टर कर देगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इक्वल करता हूँ, मैं कहता हूँ मीट हो या डेरी एफ, ये सिर्फ दो मुझे सिर्फ शो कर दे, बाकी सबको हाइड कर दे। इसने जितने भी डेरी एफ को और मीट को फिल्टर करके इसने शो कर दिया, बाकी सबको हाइड कर दिया। अब देखिए मैं इसमें यूज करता हूँ बिगिन। मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करे जो के सिर्फ डेरी लिखा हो, डेरी से मुताल्लिक जितने भी ये सबको सिर्फ फिल्टर कर दें। स्टार्ट में जो भी डेरी है इसने उसे फिल्टर कर दिया। या अगर मैं इसे कहता हूं कि मुझे सिर्फ जो लास्ट में एफ लिखा हो ये उसे फिल्टर कर दें। ये देखें मैं यहाँ पे वाई में यूज करता हूँ, लास्ट में जहां भी चीज क्या है लास्ट में वाई आ रहा हो ये उसे फिल्टर कर दे। यहाँ पे ग्रोसरी पे भी है, होम डिलीवरी पर भी है, तो इसे मैंने वाई किया और इसने जितने भी लास्ट में वाई है इसने उन सबको फिल्टर कर दिया। अब इसके अलावा कुछ टैग्स होते हैं जो कि कलर्स में होते हैं, उन्हें कैसे फिल्टर किया जा सकता है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स के ऊपर मैं कलर्स अप्लाई कर देता हूँ मुख्तलिफ पर, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कितने तरीके से हम इसे फिल्टर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे फिल्टर करता हूँ तो इसके लिए मैं यहीं पर राइट क्लिक करूँ, उस पर क्लिक करूँगा इसे कॉर्नर पे। ये तो हमें बता रहा है कलर की लिस्ट, फिल्टर बाय आप कलर्स, फिल्टर बाय सेल कलर या फिल्टर बाय फॉन्ट्स कलर। हम इसे
फिल्टर कर देंगे। ये देखें, इसके आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देगा, और अगर हम इसकी लिस्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके फिल्टर में जाते हैं तो यहाँ भी ये वही सब वैल्यू फिल्टर की लिस्ट शो कर देगा। फिल्टर बाय सेलेक्ट सेल कलर जो मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं कहता हूँ कि मुझे फॉन्ट्स कलर इस पर लगा हुआ है, और मैं फॉन्ट्स को फिल्टर करूँगा तो ये देखें, इसे क्लियर करता हूँ, इस पिक में फिल्टर करता हूँ तो ये फिल्टर सेल कलर, ये देखें एक आता है आइकन कलर। ये आइकन कलर कैसे आते हैं, यहाँ जो आइकन आते हैं वो कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए आते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेट में जाके आइकन सेट इस पर लगाता हूँ तो ये देखें, मैं जिसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ये आइकन उसे ही फिल्टर कर देगा। मैं इसे क्लियर करता हूँ, ये चीज़ हमें यहाँ से भी दे देगा, ये आइकन इसने यहाँ भी शो कर दिए, तो यहाँ से भी हम इजीली इसमें फिल्टर कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके अलावा मैं इसके नंबर्स पर आता हूँ, नंबर्स को हम किस किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर जस्ट 3 के इक्वल हो, बाकी सबको हाइड कर दें, जितने भी 3 को सबको फिल्टर कर दिए। इसे मैं क्लियर करता हूँ, फिर अगर फिल्टर में आता हूँ, अगर मैं इसमें कहता हूँ कि यहाँ मुझे ग्रेटर देन और इक्वल के 3 से बड़ी हो या 3 हो, उन सबको ये फिल्टर करके शो कर दें तो ये देखिए ऐसा 3 को भेज दिया और 3 से बड़ी जितनी भी इन सबको शो कर दिए इसने। यहाँ जो भी टॉप 10 है, टॉप 10 बड़ी वैल्यू, उन सबको ये फिल्टर कर देगा, या टॉप 10 या टॉप 9 टॉप 5 में कर रहा हूँ तो ये देखिए उन सब बड़ी जो टॉप 5 पे वैल्यू है उन सबको इसने फिल्टर कर दिया। इसी तरह से मैं डेट के ऊपर आता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ डेट पर बिटवीन इन दोनों के दरमियान जो मुझे डेट की एक मैं रेंज देना चाहता हूँ कि 8 जनवरी से लेके मुझे 15 अप्रैल तक फिल्टर कर दे, ओके करता हूँ। तो जितने भी 8 जनवरी अप्रैल मार्च अप्रैल जो भी इसने इन सबको फिल्टर कर दिया, मैं इसे फिर क्लियर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे आज की डेट शो उसमें फिल्टर कर दे, आज की डेट ये इसने आज की जो भी डेटें थी इसने उसे फिल्टर कर दिया। मैं इसे क्लियर करता हूँ, दोबारा आता हूँ, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड बता दें, इसने लास्ट ईयर 2015 का उसने फिल्टर कर दिया, या मैं चाहता हूँ इस ईयर का शो कर दे तो ये इसने हाइड करके सिर्फ 16 का इसने मुझे शो कर दिया इसने। मैं इसे क्लियर करता हूँ और अब मैं आता हूँ इसमें डेट फिल्टर के अंदर, ऑल डेट्स इन द पीरियड, यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ पूरे साल का इसमें शो किया है, जनवरी फरवरी मार्च से लेके दिसंबर तक। तो मैं फर्स्ट क्वार्टर से सेलेक्ट करता हूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च उसे फिल्टर कर देगा, जनवरी फरवरी मार्च। मैं अगर सेकंड क्वार्टर इसमें शो करता हूँ तो ये मार्च की बात, ये आ गया अप्रैल मई जून। इसी तरह से मैं इस पर आता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ जनवरी का डेटा शो करें, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जनवरी का जितना भी इसने डेटा था उन सबको इसने फिल्टर कर दिया। मैं अप्रैल का लेता हूँ तो ये अप्रैल का डेटा इसने मुझे शो कर दिया। इसके अलावा और हम कैसे इसको फिल्टर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं शुरू में यहाँ पे कुछ कॉलम इंसर्ट करता हूँ और ये हेडिंग में इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं एज अ लिंक इसे पेस्ट करूँगा। लिंक से मुराद क्या होता है कि जो भी अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ इसके लिंक में, ये देखें तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है, तो ये जस्ट उसका लिंक इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं इसमें लिंक को उठा के इसको कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज एज अ लिंक में इसे पेस्ट करता हूँ। और अब देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ,
गौर से देखिएगा, इस टेबल के ऊपर आके मैं डेटा में एडवांस में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल अप किया और मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें से फिल्टर कर दें, जो कि रेंज ये है जो मैंने सेलेक्ट की है, इसमें से मुझे प्रोड्यूस को फिल्टर करना है। तो देखिए ये क्या करता है, ऐसे जितने भी प्रोड्यूस है इसने इन सबको फिल्टर कर दिया। मैं इसे दोबारा क्लियर करता हूँ। इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डेरी इफ से मैं कॉपी करता हूँ, इसी में इसका लिंक पेस्ट करता हूँ और फिर मैं इसे दोबारा फिल्टर में जाता हूँ। पहले की वैल्यू से डिलीट करके मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने इसे डेरी तक सिलेक्शन कर दी है और ये देखें इसने प्रोसीजर को भी डेरी इफ को भी ये देखें इन सबको इसने फिल्टर कर दिया। जो भी इसमें से जो भी मैं वैल्यूज को यहाँ पे एज अ लिंक पेस्ट करता हूँ तो ये उन सबको फिल्टर कर देता है। अब देखें डिलीट करता हूँ, दोबारा यहाँ पे आके इसे फिल्टर करता हूँ तो ये देखें इसने मार्केट को भी फिल्टर कर दिया। फर्स्ट इसने मार्केट को किया, फिर सेकंड इसने प्रोसीजर को और डेरी एफ से जो भी इसने उन सबको फिल्टर कर दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है फिल्टर के हवाले से। अब मैं इसे हटा कर होम डिलीवरी करता हूँ, फिर मैं दोबारा इससे फिल्टर करता हूँ। ये बार बार दिखाने का मेरा मकसद यही है कि ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। ये देखें इसने फर्स्ट होम डिलीवरी को पहले इसने फिल्टर किया, सेकंड इसने क्योंकि होम डिलीवरी में प्रोड्यूस नहीं है इस जो था इसने उन सबको फिल्टर कर दिया। यानी फर्स्ट इसका जो था वो ये था, सेकंड इसका डेरीफ। मैं इसे तो ये तरीका है डेटा को अपना सॉर्ट करना या फिल्टर करना। आप इसे यूज़ करें, अपना टाइम सेव करें एडवांस फिल्टर के ज़रिए, ताकि आप किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उसकी भी नॉलेज में इजाफा हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।